हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंसूर अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिंदी बाय मंसूर अली। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात की थी ब्रीथिंग इन एनिमल्स के बारे में और फीडिंग इन एनिमल्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, एनिमल्स हैव टू मूव मेनली टू लुक फॉर फूड, यानी एनिमल्स को जो मूवमेंट करना पड़ता है वो खास तौर से खाने की तलाश के लिए, खाना ढूंढने के लिए करना पड़ता है। They also move to escape from their enemies and find shelter from heat, rain and cold. अपने शिकारियों से, यानी जो शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं, यानी अपने दुश्मनों से और शिकारियों से बचने के लिए, और यहाँ तक कि गर्मी और ठंड और बारिश से बचने के लिए भी एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, यानी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव इन डिफरेंट वेज, और ये मूव जो करते हैं यानी जो जगह बदलते हैं, तो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से ये अपना रास्ता बदलते हैं। सम मूव वेरी स्लोली एंड सम मूव वेरी फास्ट, कुछ बहुत धीरे धीरे मतलब मूव करते हैं, जगह जो छोड़ते हैं, जगह बदलते हैं, और कुछ बहुत तेज़ी से अपनी जगह बदल लेते हैं, मूव कर लेते हैं। सम मूव इन स्मॉल एरियाज एंड सम मूव टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कम दूरी पर जाते हैं, यानी थोड़ी सी दूरी पर ही जाकर वो रुक जाते हैं, और कुछ जानवर यानी कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर यानी लंबी दूरी पर चले जाते हैं। मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स वो होते हैं जो धरती पर रहते हैं, धरती पर पाए जाने वाले जानवर। मैनी एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स, यानी ज़्यादातर जो जानवर हैं जो धरती पर रहते हैं वो अपनी लिम्स की मदद से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लिम्स का मतलब होता है आगे वाले पैर या हाथ और पीछे वाले पैर, ठीक है, इस टाइप से। लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड मैनी अदर्स वॉक ऑन फोर लिम्स, यानी शेर, चीते, हाथी और अन्य दूसरे जानवर, ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो अपनी फोर लिम्स पर चलते हैं, मूव करते हैं। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स, सामने वाले जो लिम्स होते हैं यानी हाथ या पैर आगे वाले कह सकते हैं, उनको हम फोर लिम्स कहते हैं। एंड द वंस बिहाइंड आर द हिंड लिम्स, और पीछे वाले जो पैर होते हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं, यानी पिछली टांगे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगली टांगे जो होती हैं जानवरों की वो फोर लिम्स कहलाती हैं, और जो पिछली टांगे होती हैं उनको हम हिंड लिम्स कहते हैं। चीता, हॉर्सेस, ज़ेब्रास एंड फॉक्सेस आर गुड रनर्स, जिन जिन के मैंने आपको नाम लिए मतलब बोले हैं, ये अच्छे रनर्स हैं यानी दौड़ लगाने वाले हैं। दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट, ये अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल करते हैं दौड़ने के लिए। रैबिट्स एंड हेयर्स हॉप इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, जो खरगोश होते हैं वो चलने की जगह, वॉकिंग की जगह उछलते हैं यानी कूदते हैं। एज देयर हिंड लिम्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनकी पिछली टांगें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, एंड लॉन्गर देन देयर फोर लिम्स, और उनकी अगली टांगों से पिछली टांगें लंबी भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंसानों की। वी ह्यूमंस, यानी हम इंसान, कैन स्टैंड अपराइट, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, एंड वॉक, और चल सकते हैं, ऑन टू लेग्स, अपनी दो टांगों पर। द फोर लिम्स आर अवर हैंड्स, और जो हमारी जो जानवरों की फोर लिम्स होती हैं यानी अगली वाली टांगें, उनकी जगह हमारे होते हैं हाथ, तो वो हमारे फोर लिम्स कहलाते हैं। दैट कैन होल्ड मैनी थिंग्स, जो कई सारी चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं मतलब पकड़ सकते हैं, एंड डू वर्क, और काम कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द थंब एंड द अदर फिंगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स, ज़्यादातर जो जानवरों से हमारे हाथ और जो हमारे अंगूठे होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। दिस हेल्प्स अस टू लिफ्ट, होल्ड एंड ग्रैब थिंग्स, और यही वजह है कि हम चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और उनको ग्रैप मीन्स खींच सकते हैं। ओके, मूवमेंट इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। अब इनके बारे में जानते हैं कि मूवमेंट कैसे करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों की छः टांगें होती हैं, सिक्स लेग्स का मतलब छः टांगें होती हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज देयर सिक्स लेग्स टू मूव, और इनमें से ज़्यादातर अपनी छः टांगों का इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंट्स एंड कॉकरोचेज, एंट्स का मतलब होता है चींटियाँ, और कॉकरोच क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, ऑन देयर लेग्स, अपनी टांगों पर रेंगते हैं। ग्रास होपर्स यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप, और टिड्डे जो होते हैं वो अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल करते हैं उछलने के लिए, कूदने के लिए। बटरफ्लाइज, बीज एंड हाउस फ्लाइज,
ये जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, यानी बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितलियाँ, बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, एंड हाउस फ्लाइज का मतलब होता है घरेलू मक्खियाँ। हैव विंग्स टू फ्लाई, इनके उड़ने के लिए पर होते हैं इनके पास। देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग्स, और इनके जो पर होते हैं वो पक्षियों के परों से बिल्कुल डिफरेंट यानी अलग होते हैं। दे डू नॉट हैव बोन्स, इनकी हड्डियाँ नहीं होती, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फीदर्स और मजबूत मांसपेशियाँ और पर नहीं होते। दे आर मेड अप ऑफ टीनी स्केल्स, छोटे छोटे स्केल्स से मिलकर ये बने हुए होते हैं। बटरफ्लाइज एंड वास्प हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, यानी तितलियाँ और जो ततैया होती हैं, वास्प का मतलब होता है ततैया, तो इनके जो दो जो जोड़े होते हैं, दो जोड़े होते हैं परों के। वाइल हाउस फ्लाइज हैव वन पेयर ऑफ विंग्स, जबकि घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं उनका एक जोड़ा होता है, परों का एक जोड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट इन रेप्टाइल्स, यानी जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें मूवमेंट कैसी होती है। तो देखिए, एनिमल्स लाइक स्नैक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइज आर रेप्टाइल्स, यानी वो जानवर जैसे कि सांप, छिपकलियाँ और क्रोकोडाइल्स का मतलब होता है मगरमच्छ, और जो टॉर्टोइज यानी कछुए जो होते हैं इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर रेंगते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन मूव फास्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, और इनमें से ज़्यादातर छोटी छोटी दूरी के लिए तेज़ भी दौड़ सकते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन इवन मूव इन वाटर, और मगरमच्छ, यहाँ तक कि मगरमच्छ ज़मीन पर तो चलता ही है लेकिन ये पानी में भी मूवमेंट कर सकता है, चल सकता है। ओके, अब बात करते हैं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, स्नेक्स की आपको पता ही है टांगें तो होती नहीं है, ना तो अगली ना तो फोर लिम्स होती हैं, ना ही हिंड लिम्स होती हैं। दे हैव स्केल्स होती हैं इनके पास ऑन देयर लोअर साइड, और वो नीचे की तरफ होती हैं। विच आर अटैच्ड टू द रिब्स विद मसल्स, जो रिब्स यानी जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स जैसे अपनी हड्डियाँ होती हैं ना, मतलब फेफड़ों के पास रिब्स, जो पिंजरा होता है एक तरह का हड्डियों का, तो उससे अटैच होती हैं, और ये अटैच करने का काम करती हैं मांसपेशियाँ, यानी मसल्स के थ्रू ये रिब्स से अटैच होती हैं। दे मूव दीज स्केल्स बैक एंड फोर्थ टू मूव फॉरवर्ड, ये अपने स्केल्स का यूज़ करते हैं आगे और पीछे हटने के लिए। सम स्नैक्स आर एबल टू स्विम, और कुछ स्नैक्स यानी सांप ऐसे भी होते हैं जो तैर भी सकते हैं, तैरने लायक भी होते हैं। सम ऑफ देम कैन ऑल्सो क्लाइंब ट्रीज, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आराम से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स, यानी पानी वाले जानवरों का मूवमेंट। फिश स्विम बाय मूविंग देयर बॉडी एंड टेल फ्रॉम साइड टू साइड, मछली जो होती है वो अपनी बॉडी के द्वारा मूविंग करती है, मूविंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और अपनी बॉडी और अपनी पूंछ की मदद से वो जगह छोड़ती है, जगह बदलती है। फिशेस हैव थ्री टाइप्स ऑफ फिन्स, और मछलियों के तीन तरह के पर होते हैं। फिन्स का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो मछली के पर होते हैं। मोस्ट फिशेस यूज देयर फिन्स टू फॉर बैलेंसिंग, और इनमें से ज़्यादातर मछलियाँ अपने फिन्स का इस्तेमाल बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए करती हैं। चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्टॉपिंग, और अपनी दिशा बदलने के लिए भी यूज़ करते हैं और रुकने के लिए भी करती हैं। सम आल्सो यूज देयर फिन्स लाइक ओर्स टू पुश द वाटर, और इनमें से कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपने फिन्स का इस्तेमाल करती हैं पानी को पीछे धकेलने के लिए, टू मूव फॉरवर्ड, जिससे कि वो आगे आसानी से बढ़ सकें। इसके बाद है वाटर बोटमैन इज एन इंसेक्ट दैट यूजेस इट्स लेग्स एज ओर्स टू स्विम, और जो वाटर बोटमैन एक मोटा कीड़ा होता है, ये अपनी जो टांगों का इस्तेमाल करता है एज ओर्स। ओर्स का मतलब आपने देखा होगा, जब किसी आप नाव पर बैठते हैं तो साइड में को आप एक वो ले लेते हैं, एक डंडा, और उससे पानी को पीछे धकेलते हैं। ठीक है, वो ओर्स होता है। तो अपने परों का इस्तेमाल करती हैं ये वाटर बोटमैन जो होता है, ये अपने परों का, फिन्स का इस्तेमाल करता है, या फिर अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है ओर्स की तरह, ताकि वो ये आसानी से स्विम कर सके, तैर सके, मूवमेंट कर सके। ठीक है, प्रांस एंड टैडपोल्स स्विम विद देयर लेग्स, प्रांस और टैडपोल्स जो होते हैं ये भी अपनी लेग्स यानी टांगों की मदद से स्विम करते हैं, मतलब तैरते हैं। फ्रॉक्स स्विम बाय किकिंग द वाटर विद देयर वेब्ड हिंड लेग्स, और मेंढक जो होते हैं तो इनके पीछे वाली जो टांगें होती हैं वो चपटी होती हैं, मतलब वेब्ड होती हैं, ये पानी को पीछे धकेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। टर्टल्स यूज देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, और टर्टल्स जो हैं अपने फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं ताकि आसानी से तैर सकें। पेंगुइन्स हैव विंग्स, पेंगुइन्स के पास भी विंग्स यानी पर होते हैं। दैट वर्क लाइक फ्लिपर्स, जो बिल्कुल फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर स्विमिंग, और ये तैरने के लिए अपने फ्लिपर्स यानी अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, ये हुई मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में बात। ठीक है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।